आप सबका स्वागत है फूड जासूस में, जहां मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने आज आपको ये बताने वाली हूं कि कैसे आप अपने घर पे होम बेस्ड हेल्थ सप्लीमेंट बना सकते हैं जो 100% सेफ है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सप्लीमेंट लेना क्यों ज़रूरी है। तो फूड सप्लीमेंट लेना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि डाइट में सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। सप्लीमेंट उसी गैप को, उसी न्यूट्रिशन गैप को भरने में हेल्प करता है। इसलिए अगर आप होम बेस्ड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशन की है वो पूरी होती है और साथ ही साथ लॉन्ग रन में आप बहुत हेल्दी रहते हैं। मैं ये मानती हूँ कि जो होम बेस्ड सप्लीमेंट है उसको बनाने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। सारे इन्ग्रीडियंट मार्केट से इकट्ठा करना होगा, उसे प्रिपेयर करना होगा, उसे स्टोर करना होगा। ये सारी मेहनत आपको मार्केट बेस्ड सप्लीमेंट में करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि होम बेस्ड जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता और वो आपके आंखों के सामने बना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। पर मार्केट बेस्ड सप्लीमेंट्स जो होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी सिंथेटिक चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग रन में हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ये रेसिपी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत आसान है बनाने में। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये जनरली आपके घर में होते हैं या तो मार्केट में आसानी से आपको मिल सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स रखे होते हैं जिसे हम जनरली यूज़ करना भूल जाते हैं। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी होती है। लेकिन जो मैं रेसिपी आपको बताने वाली हूँ उसमें आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डेली डाइट में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं फूड जासूस पे आपको 3 डिफरेंट तरह की हेल्थ सप्लीमेंट रेसिपीज़ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो रेसिपी हम देखने वाले हैं वो है नट मिक्स का। तो नट मिक्स के लिए जो मैंने बेस लिया है वो मखाने का लिया है, जिसमें 100 ग्राम मखाना लिया हुआ है मैंने। मखाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि मखाना जो है वो कैल्शियम रिच होता है और उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मैंने बेस इंग्रेडिएंट लिया है वो मखाने का है। फिर मैंने आमंड्स लिया है जो 20 ग्राम है, छुहारे लिए हैं 20 ग्राम, काजू लिए हैं 20 ग्राम और ग्राउंडनट लिया है 20 ग्राम। साथ ही साथ मैंने 20-20 ग्राम के 2 ऑयल सीड्स भी लिए हैं, पम्पकिन सीड है और सनफ्लावर सीड है। मैंने छुहारे को इस तरह से छील लिए हैं ताकि इसके बीज पहले से ही निकले रहें और इसको आगे बनाने में आसानी रहे। आइए अब हम देखते हैं कि नट मिक्स को बनाया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट को थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए ये मैंने किया अपना पैन ऑन, ये मैंने पहले से थोड़ा सा हीट कर लिया था, ये मीडियम हीट में होना चाहिए। और अब मैं इस पर इसे बस हीट कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे, शेल्फ लाइफ बढ़े। और जितने भी मैं इंग्रेडिएंट को आगे चल के रोस्ट करूँगी वो इसलिए भी करूँगी कि जो भी इसके ऑयल हैं वो थोड़ा सरफेस की तरफ आ जाए और ज़्यादा बायो अवेलेबल हो जाए, यानी कि आपके बॉडी में ज़्यादा लगे। ये हमारा मखाना अब रेडी हो गया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं बाकी और भी जो नट्स हैं उनको मैं रोस्ट करूँगी। जो नट्स होते हैं उसको इसलिए भी सब रोस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि पहली बात तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है प्रोडक्ट की और जो इसेंशियल ऑयल हैं वो ज़्यादा बायो अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि आप अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो ये आपके बॉडी में ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। जब नट्स में से थोड़ी सी ऐसे पटपट की आवाज़ निकलने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपके नट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल के रख लूँगी ताकि ये भी ठंडा हो सके। ऑयल सीड्स को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। हमें कैसे पता चले कि हमारा ऑयल सीड हो गया है अभी रोस्ट? तो उससे एक अलग तरह की खुशबू आने लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी और साथ ही हल्के से पटपट की आवाज़ भी आने लगती है। तो जैसे कि आप सुन भी पा रहे होंगे शायद, तो ये हमारा ऑयल सीड हो गया। अब हम छुहारे को भी ऐसे हल्का सा भून लेंगे। ये याद रखिए कि हमें कोई भी ऑयल ऐड नहीं करना है, हमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करना है ड्राई रोस्ट करना है और मीडियम फ्लेम पे करना है।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए देंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमारा नट मिक्स रेडी है। एक और चीज़ है जो ऑप्शनल है कि कई बार होता है कि कुछ दाने रह जाते हैं या थोड़ा कोर्स हो जाता है, तो आप किसी छन्नी की मदद से इसको छान सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं या बहुत छोटे बच्चों को नहीं दे रहे हैं तो आप इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये पर्सनल चॉइस है कि मैं इस प्रोडक्ट को छान के इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा जो हम सप्लीमेंट रेसिपी देखने वाले हैं उसका नाम है प्रोटीन मिक्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इस सप्लीमेंट को मैंने इस तरह से मॉडिफाई किया है ताकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दे सके। तो सबसे पहले जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है, जो बेस है, वो है रोस्टेड चना का। ये मैंने ऑलरेडी रोस्टेड वाला ही लिया है मार्केट से। वैसे आप घर पे भी रोस्ट कर सकते हैं, बट घर पे रोस्ट करना थोड़ा टीडियस हो सकता है, इसलिए आप इसे मार्केट से रोस्टेड वाला भी ले सकते हैं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो हमारा वे प्रोटीन है। ये मैंने मार्केट से लिया है जो 50 ग्राम के लगभग है। ये हमारा 100 ग्राम के लगभग का था, ये हमारा 50 ग्राम है। साथ ही साथ उसके बाद मैंने जो लिया है आमंड्स, ये 20 ग्राम है। मैंने सोया ग्रैन्यूल्स इसलिए लिए हैं ताकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो सके, तो ये भी 20 ग्राम है। पीनट्स हैं 20 ग्राम और मैंने इसमें तिल सीड और फ्लैक्स सीड लिए हैं, ये भी 20-20 ग्राम है। इसमें बस हम वे प्रोटीन को रोस्ट नहीं करेंगे और क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है चना, इसलिए हम इसको रोस्ट नहीं करेंगे। जैसे हमने इससे पहले वाले रेसिपी में रोस्ट किया था, सेम उसी तरीके से इनको रोस्ट करेंगे। इसमें हम पीनट्स और आमंड्स को एक साथ रोस्ट कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, यानी कि मैंने इसको पहले रोस्ट किया, फिर उसको ग्राइंड किया और ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको छाना और ये हमारा तैयार हो गया है प्रोटीन मिक्स। मैंने इस प्रोडक्ट में वे भी मिलाया है। वे आपको इजीली अवेलेबल होगा, किसी भी मार्केट में आप जाके ले सकते हैं। वे प्रोटीन इसलिए मैंने मिलाया है क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, बॉडी के लिए ज़्यादा बायो अवेलेबल होता है। बायो अवेलेबल का मतलब कि प्रोटीन ज़्यादा अच्छी तरह से आपके बॉडी में यूटिलाइज हो सकता है। तो और इसमें कई तरह के प्रोटीन मिक्स हो गए, जैसे कि आपका दाल से हो गया, नट से हो गया और एक वे प्रोटीन से हो गया। थर्ड रेसिपी का जो मैंने नाम रखा है वो नेचुरल फाइबर मिक्स रखा है। जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें हर तरह के फाइबर को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। फाइबर हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं, इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज या फिर कैंसर जैसी बीमारी के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे गट में जो हेल्दी बैक्टीरियाज है उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। मेरी जो ये थर्ड रेसिपी है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ लिया है वो है ओट्स जो 100 ग्राम है, पीनट 20 ग्राम्स, मेलन सीड्स है 20 ग्राम्स और मैंने इसके साथ रोस्टेड चना लिया है जो रेसिपी के प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएगा, वो है 50 ग्राम्स। तो ओट्स को इतना रोस्ट करना है, अब हम इसे दूसरे में निकाल लेंगे। फ्लैक्स सीड को रोस्ट करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे ये हल्का हल्का उछलने लग जाए, जैसे ये अब उछलने लग गया है इसका मतलब कि ये हो चुका है, इसे आप बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हीट करेंगे तो इसकी जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो सकते हैं और फ्लैक्स सीड जल्दी जल भी जाता है। ये हमारा थर्ड मिक्स रेडी हो गया है जो बहुत ही ज़्यादा फाइबर रिच है। ये मिक्स रेडी करने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में रखें। मैं जो एयर टाइट कंटेनर यूज़ करती हूँ वो ग्लास वाला करती हूँ, तो ये एयर टाइट कंटेनर है और इसमें मैं इस तरह से इसे डाल दूँगी। तो ये तैयार है 3 होम मेड सप्लीमेंट। तो अब मैं ये बताने वाली हूँ कि इन तीनों को लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले बताना चाहूँगी इन तीनों में ही ओमेगा 3 है, क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट में फ्लैक्स सीड या फिर सेसमे सीड या तिल सीड जैसे चीज़ों को इस्तेमाल किया है। तीनों ही प्रोडक्ट में इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स आपको मिलेंगे, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है वो नेचुरल सोर्सेज से हैं और फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हैं। डिफरेंस बस इन तीनों प्रोडक्ट में ये है, हमारा जो पहला प्रोडक्ट है नट मिक्स, ये ओवरऑल जितने नट्स होते हैं उसका मिक्स है। साथ ही साथ ये मखाना बेस्ड है। मखाना जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ इसमें आयरन भी है।
जो सर्विंग साइज होना चाहिए इन प्रोडक्ट का, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप 30 ग्राम का एक सर्विंग ले सकते हैं और दिन में दो बार ले सकते हैं, यानी टोटल बात करें तो आप एक दिन में 60 ग्राम तक ले सकते हैं। दूसरा आता है प्रोटीन मिक्स। जैसा कि नाम बता रहा है प्रोटीन मिक्स, इसमें 21 ग्राम प्रोटीन है अगर आप 60 ग्राम का सर्विंग साइज लेते हैं पर डे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक नॉर्मल एडल्ट का अराउंड 50% प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। जैसे कि आप अगर एक बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं, यानी कि अपने डाइट में दालें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इस तरह की चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो आपकी जो 50% रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स, मीट या मीट प्रोडक्ट, फिश, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी बची हुई रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो तीसरा जो हमने सप्लीमेंट की बात करी है यहाँ पे, वो है नेचुरल फाइबर मिक्स सप्लीमेंट। इसमें इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों ही फाइबर हैं, और अगर ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपका 1/4 रिक्वायरमेंट यानी 10 ग्राम फाइबर आपको इस प्रोडक्ट से मिलता है, जो 1/4 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तीनों ही मिक्स में वाइटामिन ई, वाइटामिन ए, सेलेनियम और जिंक प्रचुर मात्रा में है, जिस वजह से अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कोई भी कर सकता है, यानी कि 2 साल से ऊपर के बच्चे हो या फिर टीनेजर हो या एडल्ट हो या एल्डरली हो, क्योंकि इसमें कुछ भी एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट या एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए ये सेफ है हर एज ग्रुप के लिए, क्योंकि ये बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े को भी दे सकते हैं। तो जो सर्विंग साइज़ है वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे छोटे बच्चों को आप 1 चम्मच यानी 5 से 10 ग्राम दे सकते हैं, और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं यानी कि 8 साल तक के बच्चे हैं तो 30 ग्राम तक आप दे सकते हैं, और अगर आप एडल्ट हैं तो आप 30 ग्राम टू 60 ग्राम तक ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं। स्पेशली जो फाइबर वाला है वो डायबिटिक के लिए इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है और शुगर लेवल को मेनटेन करने में हेल्प करता है। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है, इसमें कोई भी कुकिंग मेथड रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसको एज इट इज़ किसी भी चीज़ में मिला सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने बच्चे के लिए मिल्क शेक बना रहे हैं तो मिल्क शेक में आप 30 ग्राम्स मिला सकते हैं, अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप आटा गूंद रहे हैं आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, अगर आपने दाल बनाया है आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, अगर आपने स्मूदी या दही खा रहे हैं तो आप उसमें भी ये चीज़ मिक्स करके ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रात को सोने जा रहे हैं उससे पहले अगर आपको दूध लेने की आदत है तो दूध में भी आप इसको मिक्स करके आसानी से ले सकते हैं। इसके फ्लेवर को भी अगर आप इन्हेंस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई फ्लेवर नहीं मिलाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो केसर, इलायची या फिर कोको पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मैंने ये तीनों रेसिपीज़ को खुद डेवलप किया है और ये रेसिपीज़ कहीं से कॉपी नहीं है। आप मुझे यानी फूड जासूस को इंस्टा या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी की डिटेल्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूंगी ताकि आप आसानी से वहां से देख सकें। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आगे और भी अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।